हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सेकेंड ऑफ मार्च 2021 2 मार्च 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में हमारी लिंक्स दी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हमारे कोर्सेज की तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक्स गिवेन देना डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन बिलो शुरू करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देना है और आज मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरे मार्च से लेकर 27 जून तक का टाइम टेबल बना करके दे रहा हूं उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप पूरा कोर्स दो बार रिवाइज कर लोगे और अच्छे से एग्जाम दे आओगे तो वो मैं आपको बता देता हूं ठीक है ना बता दूंगा इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा ठीक है उसमें बता दूंगा स्टार्ट करते हैं आज आपको बताना है सवाल नंबर एक है ये ऑप्शंस दिए हैं कर्नाटका तमिलनाडु वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश क्वेश्चन नंबर टू है एओस इज वन ऑफ द मेजर ट्राइब्स ऑफ एओस जो है एक मेजर ट्राइब है इनमें से कहा की ऑप्शन आर ए उड़ीसा बी नागालैंड सी लक्षद्वीप या डी अंडमान एंड निकोबार आईलैंड क्वेश्चन नंबर थ्री इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टेटमेंट दिए हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है बीटी कॉटन इज ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द टास्क ऑफ रेगुलेटिंग जीएमओ लेवल इन इंपोर्टेड कंज्यूमेबल्स इज डन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नाइदर वन एंड टू या डी चौथा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ई दाखिल पोर्टल

फिजिकल मैप काफी चीजें मैं आपको बताऊंगा ऑबियसली बात है जैसे पिछले मैंने इसके पहले आपको अफ्रीका की बता दी है इसके पहले मैंने आपको साउथ अमेरिका की बताई थी रिपीट करते जाएंगे अपन बार बार देखो मैप भी लिमिटेड है लेकिन डेली एक मैप के उसमें हम रिपीट करते जाएंगे काफी चीजें रिपीट करेंगे अब देखो सबसे पहले अगर हम देखें नॉर्थ अमेरिका का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है वो देखो आर्कटिक ओशन के नीचे मतलब ये ये ऐसा नहीं है हाँ ठीक है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा यूनाइटेड स्टेट्स

हाइएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका सबसे ऊंचा पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है अब याद रखेगा जो मैकिनले थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ठीक है ना ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको आप उस, आ, शायद शायद ही आप लोगों में किसी को पता हो माउंट मैकिनले का नाम बदल करके माउंट देनाली कर दिया गया है आप इसको सर्च भी कर सकते हैं डी ई -E एन ए एल आई माउंट मैकिनले का नाम बदल करके देनाली कर दिया गया है देनाली एक्चुअली जो वहां पर एक ट्राइ अलास्का में अलास्का के जो लोग हैं उनके ऊपर कर दिया गया है अर्लियर इट वॉज ऑन द प्रेसिडेंट

आर्कटिक सर्कल भी पास होता है जो अमेरिका का पोर्शन है वहाँ पे आर्कटिक सर्कल भी पास हो रहा है देखो वहाँ से और ग्रेट बेयर लेक है वहाँ पर ठीक है ना फिर यहाँ पे कनाडा वाले रीजन से आपको देखो कनाडा और यूएसए जो दो कंट्रीज हैं इनके बीच में बहुत सारी लेक्स हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्स है जैसे ग्ले ग्रेट स्लेव लेक दिख रही है कनाडा में आपको ग्रेट स्लेव लेक दिख रही है फिर लेक एथाबेस्का दिख रही है रिंडियर लेक दिख रही है ये भी वेस्ट टू ईस्ट अरेंज है वेस्ट टू ईस्ट ग्रेट स्लेव लेक लेक एथा बैस्का एंड देन रिंडियर फिर नीचे अगर थोड़ा सा और आते हो आप तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं ये, यहां पे, और जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला जो रीजन है उसके बीच में बहुत सारी लेक्स हैं जैसे कि लेक सुपीरियर लेक मिशिगन लेकोन लेक एरी लेक ऑनटेरियो अब ये जो मैंने पांच लेक्स आपको बताई कौन कौन सी बताई मैंने आपको पांच लेक्स यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताई लेक सुपीरियर फिर मैंने आपको बताई लेक मिशिगन फिर लेक ह्यूरोन फिर लेक एरी फिर लेक ऑन यही ऑर्डर है वेस्ट टू ईस्ट का भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट लेक्स को वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो तो लेक सुपीरियर लेक मिशिगन लेक ह्यूरोन लेक एरी लेक ऑन ये जो रीजन दिख रहा है ना ये यही तो है लेक सुपीरियर लेक मिशिगन लेक ह्यूरॉन लेक एरी लेक ऑनटेरियो ये है वेस्ट टू ईस्ट कॉर्डर अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है इसमें कि लेक सुपीरियर जो है लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल लेक इन द वर्ल्ड बाय एरिया लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल लेक इन द वर्ल्ड बाय एरिया एंड लेक मिशिगन ये जो लेक मिशिगन है ना इट इज द लार्जेस्ट लेक विद इन इंटायरली विद इन वन कंट्री ये नॉर्थ यह अमेरिका के अंदर ही आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आता है याद रखेगा और ये जो ऑर्डर है लेक सुपीरियर ह्योन मिशिगन एरी ऑनटैरियो ये ऑर्डर है आपका लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का भी ऑर्डर है मतलब सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर फिर उसके बाद आती है ह्योन फिर आती है मिशिगन फिर आती है एरी फिर आती है ऑनटेरियो ये ऑर्डर है साइज के ऑर्डर का है और वेस्ट टू ईस्ट का जो ऑर्डर है वो है सुपीरियर मिशिगन मिशीगन एरी ऑनटेरियो सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन और अगर आपका साइज का ऑर्डर बताऊं तो सुपीरियर ह्यूर मिशिगन बस इतना ऑर्डर इतना ऑर्डर चेंज होता है ठीक है ना ये याद रखिए ग्रेट लेक्स बेसिन वाला रीजन है अब यहां पे माउंटेन की बात है तो रॉकी माउंटेन्स काफी फेमस है रॉकी माउंटेन्स आपको दिख रहा होंगे साइड में है ना ये ऊपर से नीचे रॉकी माउंटेन्स यहां पर है काफी फेमस है

है ना ये भी आपको याद रखना थोड़ा सा याद रखेगा और कुछ वाटर बॉडीज अगल बगल की भी देख लेते हैं ये, ये यहाँ पे दिख रहा है और फिर हटसन में फिर अपलाशियन माउंटेन्स नाउ दिस इज द अपलाशियन माउंटेन्स जो है पूरा न्यूयॉर्क फिलाडेल्फिया वाला रीजन है बॉस्टन वाला रीजन है यहां पे चलता है अपलाशियंस माउंटेन काफी इंपॉर्टेंट रीजन है अगेन अपलाशियंस भी आपका कहां पर है नॉर्थ अमेरिका में है रॉकी माउंटेन मैंने आपको दिया दिखा दिया और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर सियरा नेवाड़ा सियरा नेवाड़ा इज अगेन योर इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में आता है और एक सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट हमने माउंट देनाली या माउंट मैके बता दिया आपको लोएस्ट पॉइंट है डेथ वैली याद रखिएगा लोएस्ट पॉइंट क्या है डेथ वैली नेवाडा जो है वो आपका कैलिफोर्निया में आता है इट्स अ कैलिफोर्निया माउंटेन रेंज माउंटेन रेंज है जो कि कैलिफोर्निया में आते हैं है ना ये आपको याद रखना है आ, ये नेवाडा जो है ना ये कैलिफोर्निया में आता है कैलिफोर्निया ठीक है ना दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप याद रखेगा फिर मैंने आपको इधर रॉकीज बता दिया डेथ वैली लोएस्ट पॉइंट बता दिया है ना सियरा निवाडा बता दिया एंड uh, सियरा म, 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 मादरे सियरा मादरे भी नीचे यहाँ पे मेक्सिको वाले रीजन में आपको दिख रहा होगा सियरा मादरे है ना फिर यू यूएसए मैंने यूएसए मैंने आपको बता दिया ये जो यूएसए वाला रीजन है ये सेंट्रल लोलैंड्स के पार्ट में आता है सेंट्रल लोलैंड्स के पार्ट में आता है और द ग्रेट प्लेन्स चलते हैं सेंट्रल लोलैंड्स के इधर ग्रेट प्लेन्स आपको दिख रहा होगा है ना अपलाशियंस मैंने आपको बताई दिया है ठीक है ना इसको याद याद रखेगा और आर्कन रिवर है यहाँ पे बीच में देखो यूएसए के इधर साइड आर्कन रिवर है और ये देखो यहाँ पे एक रिवर है मिशिगन के नीचे आपको दिख रही होगी मिसिसिपी रिवर और उसके नीचे इधर आ रही देखो यहाँ मिजूरी मिस्सीप्पी एंड मिजूरी दो काफी फेमस रिवर्स है मिसी सिप्पी एंड मिजूरी रिवर्स ये दोनों की दोनों काफी फेमस है फॉर योर नॉर्थ अमेरिका तो ये जो मैप है ये आपके नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप है आप इसको एक बार देख लीजिए नीचे यहाँ पे मेक्सिको के इधर गल्फ ऑफ मेक्सिको दिख रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मेक्सिको वाले रीजन

बागा कैलिफोर्निया पेनिसुला और इसके सियारा मादरे मेक्सिको वाले रीजन के बीच में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है ऊपर मैंने हडसन बे आपको दिखाई दिया इधर साइड है ना तो ये भी आप याद रखेगा सो दैट इज इट फ्रॉम दिस मैप आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ तो न्यूज है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट किस किसने लॉन्च किया? किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट अब स्टेट ऑफ द इकोनमी रिपोर्ट में दो तीन चीजें उन्होंने बताई सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो डेली गैसोलिन सेल्स है फरवरी में वो इंक्रीज हो गई हैं फ्रॉम

कि आरबीआई बहुत दिनों तक एकोमोडेटिव पॉलिसी नहीं रख पाएगा अब आप सबको मैंने पहले भी क्लियर किया हुआ है चीज़ों से बताई हुई है मैंने आपको क्या बताया था कि आरबीआई के दो मेन काम है एक है इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना और दूसरा है ग्रोथ को बढ़ाना अब जब ग्रोथ बढ़ती है तो इन्फ्लेशन अपने आप इंक्रीज होता है यह मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन अपने आप धीरे, धीरे धीरे बढ़ेगा है ना अब क्या है इकॉनॉमी में अगर मान लो ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज्यादा है सपोज इकॉनॉमी में इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज्यादा है और आरबीआई

गैसोलिन uh, के बारे में आपको बता दूं गैसोलीन एक क्लियर पेट्रोलियम डेरिवेटिव होता है जो कि फ्लेमेबल लिक्विड होता है इट्स अ फ्लेमेबल लिक्विड एंड क्लियर प्रोटीन पेट्रोलियम का डेरा होता है एंड इट इज यूज एज अ फ्यूल इन द स्पार्क इग्नाइटेड इंटरनल कंबशन इंजन और इट्स लिक्विड कंप्राइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑप्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ये पेट्रोलियम के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अचीव होता है ठीक है दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है रशियन स्पेस एजेंसी रॉस्कोम के बारे में इट हैज सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट अब रशियन स्पेस एजेंसी है इसने अपनी पहली आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च की है आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च की है और इसका नाम है आर्कटिका याद रखिएगा आर्कटिका एम अगर आपसे कोई पूछे कि आर्कटिका एम किसकी सैटेलाइट है तो ये रशिया की सैटेलाइट है पहली सैटेलाइट है जो कि आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट है रशिया की तरफ से ठीक है ना आर्कटिका एम इसको बोलते हैं ठीक है ठीके? अगली जो न्यूज है वो है छन्नपटना टॉयज को लेकर के एंड ये छन्नपटना टॉयज कहाँ के हैं कर्नाटका के स्पेशल टॉयज होते हैं याद रखेगा और कन्नाडा में इनको गोम्बे गोम्बेगाला ओरू भी कहा जाता है गोम्बेगाला ओरू भी कहा जाता है छन्नपटना टॉयस को तो इसी के साथ मैं आपको आंसर बताता हूं छन्नापटना टॉयस पहला सवाल ही था आज तो का तो कर्नाटका ए हो गया एओस मैंने आपको अभी रिसेंटली नागालैंड की ट्राइब के बारे में बताया था जहां केज, केज के आपको बताया था ना वो एओस ट्राइब नागालैंड की ट्राइब है फिर मैंने आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया तो पहला स्टेटमेंट जो है देखो वो सही है बी टी कॉटन इज दी ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट इज अलाउड इन इंडिया बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्यों क्योंकि देखो पहले जो इम्पोर्टेड कंज्यूमेबल्स थे उनको जीई जरूर देखता था जीएमओ के जो इंपोर्टेड कंज्यूमेबल्स थे पहले उनको जीई ही देखता था लेकिन दो छह के बाद से इसको एफ एस यानी कि अगर इंपोर्टेड कंज्यूमेबल जीएमओ है तो उसको एफ ही देखेगा तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा चौथा सवाल था ई दाखिल पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया है और ये क्यों लॉन्च किया गया है ताकि अगर कोई कंप्लेंट है कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए बेसिकली कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए ई दाखिल पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो उसको याद रखेगा आगे मूव करते हैं देखते क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है तो फ्रंट पेज में ऐसी कोई खास न्यूज तो मुझे नहीं दिख रही है इसके साथ आप आगे मूव कर सकते हैं है ना वी कैन मूव टू द एडिटोरियल सेगमेंट पहला जो एडिटोरियल है द वाइटल बट डेलिकेट टास्क ऑफ रिवाइविंग द ईरान डील अब ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है जे सी पी ओ ए यानी कि ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन आर्टिकल लिखा गया है किस तरीके से वो बैलेंस आउट करते हैं जेसीपीओ ए ना ऑथर ने सबसे पहले बताया है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट आई उसके पहले बराक ओबामा के टाइम में दो हजार तेरह से निगोशिएशन चालू हुए है ना एंड प्रोलॉन्ग निगोशियेशन दो हजार तेरह से पंद्रह के बीच में जब चले ईरान एंड पी फाइव प्लस वन किसके किसके बीच में ईरान एंड पी फाइव प्लस वन पी मतलब कि यूएसए यूके रशिया फ्रांस एंड चाइना एंड एक जो वन है वो है जर्मनी एक्स्ट्रा ठीक है ना यानी कि चाइना फ्रांस जर्मनी रशिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन और द ईयू इन सब के बीच में ये पूरी एक डील होती है, है ना Uh, ये डील होती है फिर हाँ पी फाइव प्लस वन एंड ई यू इसके अलावा ई यू भी और यूरोपियन यूनियन तो इसके बीच में ये डील होती है जे सी पी ओ ए जिसको बोलते हैं एंड इसमें ओमान ने भी काफी मदद की है ना द डील वाज दील बाय ओमान आल्सो ओमान ने भी काफी मदद की एंड uh, ये एक्चुअली मिसट्रस्ट था सिंस द नाइनटीन इस्लामिक रेवोल्यूशन जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था नाइनटीन का उसके मिसट्रस्ट के बाद एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था एक फीट था जो कि अचीव हुआ था ठीक है ना अब इसमें क्या हुआ था कि लिमिटेशन लगाई गई थी एनरिचमेंट के ऊपर और जो स्टॉक पाइल रख सकते हैं न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स के ऊपर एक लिमिटेशन लगा दी गई थी ईरान के ऊपर और इसके बदले में जो सैंक्शंस थे वो हटा दिए थे मतलब कि सैंक्शंस को वेवर ऑफ कर दिया गया था एंड ईरान डील कर सकता था बकायदा फिर डोनाल्ड ट्रंप जब से आया था तब तो से उनको ये डील पसंद नहीं थी एंड ही फाइनली 2018 में ही पुल्ड बैक पुल्ड बैक फ्रॉम दैट एंड मैक्सिमम प्रेशर कर दिया गया एट्टी राउंड ऑफ सेंक्शन हैव बिन एम्प्लॉयड ओवर द एम्प्लाइड ओवर द ईरानियंस तो अस्सी राउंड सेंक्शंस लगा दिए गए हैं डोनल्ड ट्रंप के टाइम पे अब इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ मैं आपको ईरान से रिस्पॉन्स ईरान जो चाहता था वो रिटर्न रिटेलिएट कर रहा था लेकिन ई थ्री ई थ्री कंट्री याद रखना फ्रांस जर्मनी एंड द यू के ई थ्री भी इंपॉर्टेंट है ग्रुपिंग याद रखेगा फ्रांस जर्मनी एंड यूके को ई थ्री कहा जाता है ई थ्री एंड ई यू दे प्रोमिस्ड दैट दे विल फाइंड वेज टू मिटिगेट द यू एस डिसीजन तो E3 ने ईरान से ये कहा कि हम मिटिगेट करवाएंगे जो यूएस के डिसीजन है ठीक है ना एक इंपॉर्टेंट चीज है E3 कौन कौन है फ्रांस जर्मनी एंड द यूके याद रखेगा एंड सैक्शन बिगैन टू हर्ट जब सैक्शन और ज्यादा हर्ट करने लगे तब ईरान शिफ्ट मैक्सिम रेजिस्टेंस पॉलिसी अब ईरान बिगे जेसीपीओ जैसे लो एनरिस्ट यूरियम की वो तीन सौ किलोग्राम की लगाई गई है आ, आ, सीलिंग ऑफ थ्री हंड्रेड किलोग्राम ऑन दो एनरिस्ड यूरेनियम लो एनरिस्ड यूरेनियम की जो सीलिंग है वो थ्री हंड्रेड किलोग्राम की है एंड दूसरी चीज जो एनरिचमेंट लेवल है एनरिचमेंट लेवल उनको थ्री पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट ही

एंड इसके अलावा ड्रोन ड्रोन स्ट्राइक हुआ जब आई यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमान सलीमान का सुलेमान की हत्या भी कर दी गई यूएसए द्वारा ठीक है ना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स कासिम सुलेमान है ना तेहरान अनाउंस दैट इट विल नो लॉन्गर ऑब्जर्व द जे सी रिस्टेंट तब तेहरान ने अनाउंस किया कि जे के जो भी रिस्टेंट थे वो उसको फॉलो नहीं करने वाला है और उन्होंने ये तक कह दिया था कि आ, हम 20 परसेंट तक का एनरेस्टमेंट करेंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जितने भी सैक्शन है अस्सी राउंड के सैक्शन ये सारे कब लगे जब ईरान ऑलरेडी बहुत परेशान चल रहा था वन मिलियन इन्फेक्शन के केसेज आए साठ लोग मर गए द ईरानियन इकोनॉमिक कंट्रैक्टेड बाय सेवन परसेंट इन 2019 थाउजेंड नाइनटीन सिक्स परसेंट इन ट्वेंटी है ना इसके बाद कोविड 19 से शेक हुआ ही है ना इसके बाद ये सारे सैंक्शन काफ़ी ज़्यादा हर्ट किए होंगे ऑब्वियस ही बात है एंड दे बहुत मतलब कि एक बहुत पुअर स्टेट में पहुंच गया था जो ईरान है एंड उसी बीच में वो पूरा रिटेलिएशन के चक्कर में ही इनरिचमेंट उन्होंने 20 परसेंट तक का पास किया अपनी पार्लियामेंट में और अब उसको करने के चक्कर में तो नॉट जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन जो आया है थोड़ा सा रिलीफ देने की जरूरत है एंड थोड़ा सा और ट्रस्ट को बढ़ाने की जरूरत है ऑथर का यह कहना है कि इतना ईजी नहीं होगा दोबारा से डील को लाना और इथ्री ने जो सपोर्ट प्रॉमिस किया था इथ्री में याद है आपको फ्रांस जर्मनी एंड यूके के मैंने बताया था फ्रांस जर्मनी यूके जो है वो इथ्री है तो इथ्री ने जो सपोर्ट प्रॉमिस किया था जो रिलीफ प्रॉमिस किया था वो उसके लिए उन्होंने इंस्टेक्स बनाया इंस्टेक्स बनाया इंस्टेक्स क्या है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस याद रखिएगा 2019 में इसको क्रिएट किया गया टू फैसिलिटेट लिमिटेड ट्रेड विद ईरान लिमिटेड ट्रेड विद ईरान के लिए इंस्टेक्स बनाया गया यानी कि इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस ई यानी कि फ्रांस जर्मनी एंड यूके ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि अगर आप देखें तो यूईयू यू का ईरान का जो ट्रेड था वो 18 बिलियन यूरो से घट करके वन थर्ड पे चला गया छह बिलियन यूरो पे चला गया है ना और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो की हुआ है इसके बाद ईरान ने भी रिसेंटली हमने देखा है कि 20% परसेंट रिचमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है प्लस प्रोडक्शन ऑफ यूरोनियम मेटल इस फान में स्टार्ट कर दिया है ठीक है यह सारी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि बहुत जल्दी इस डील को वापस लाना होगा और ईरान में थोड़ा कंट्रोल डिस्टेंट लगाना होगा क्यों क्योंकि तो ईरान में जो है वो इलेक्शन ड्यू है जून में और जून में जब इलेक्शन हो जाएगा तो हो सकता है जो रूहानी का हजन रूहानी का सक्सेसर हो ही माइट नॉट बी माइट नॉट बी फ्रॉम द मॉडरेट कैम्प तो हो सकता है वो मॉडरेट ना रहे जो अगला आने वाला हो है ना तो इफ यूएस वेट्स फॉर ईरान रिटर्न टू फुल कंप्लाइंस बिफोर लिफ्टिंग द सैंक्शंस और ईरान वेट्स फॉर यूएस टू रिस्टोर द सैंक्शंस तो ये काफी एक मतलब ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है और हो सकता है कि जेसीपी ही पूरा कोलैप्स कर जाए तो अगर ईरान वेट करेगा सैंक्शंस हटने का और यूएसए वेट करेगा पूरे के पूरे कंप्लायंस का, का तो तो ये बात पक्की है कि ये बिगड़ जाएगी और और सी पूरा ब्रेक हो जाएगा नॉर्थ कोरिया जैसा रोग स्टेट बन जाएगा ईरान तो ऐसा एक कंडीशन नहीं होना चाहिए ईरान एक अच्छी कंट्री है अगर इनको चाहते हैं तो ये बिल्कुल धीरे धीरे ये सैक्शन को हटाना शुरू कर दे और धीरे धीरे वो अपना जो उन्होंने ब्रेक किया है ट्रीटी का जे का उसको वो कर दें है ना और ब्रोकरेज की जरूरत पड़ेगी जैसे पहले ओमान ने किया था फिर से वही वाली बात है कि आ, कतर कुवैत भी आ, दे कैन ऑल्सो प्ले अ डेमोक्रेटिक डिप्लोमैटिक रोल है तो इनमें इनकी जरूरत है ई और ई जो है उनको फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है कि इंस्टेक्स जो

एफ ए टी एफ ने करने के लिए उनमें से उन्होंने चौबीस किए हैं तीन नहीं किए हुए हैं पाकिस्तान ने और इस कारण से अभी भी वो ग्रे लिस्ट में है है ना और उनमें से कौन कौन से हैं जैसे कि आ, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिंग टेरर फंडिंग प्रोसिक्यूशन है ना फिर एफेक्टिव एंड डिस वो इम्पलीमेंटिंग फिनेंशियल सैक्शन अगेंस्ट ऑल द टेर डेजिनेटेड बाय द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल यू एन सिक्योरिटी काउंसिल ने जितने भी टेररिस्ट डेजिग्नेट किए उनके सबके फाइनेंशियल सैक्शन करना इसमें एल ई टी फाउंडर हाफिज़ साइद भी आएगा हाँ मसूद अजहर भी आएगा तो ये सारे लोग भी आएंगे उसमें तो ये सारे काम उनको करने बचे हुए हैं और एफ की एफ के बारे में आप सबको पता है कि नाइनटीन में यह बना था और जी के कारण बनाया गया था जी स्टार्टिंग में इसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग को स्टार्ट स्टॉप करना मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और 2001 में इसके अंतर्गत एक और काम जोड़ दिया गया जिसको बोलते हैं टेरर फाइनेंसिंग को रोकना तो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने वाला काम 2001 में डाला गया वो इनिशियली नहीं था इसके पास ठीक है ना ये भी आप याद रख सकते हैं और पाकिस्तान को कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि आप तो हेग में ले जाओ एफ एफ को तो आर्टिकल में ऑथर ने यह भी कहा है कि ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए अदरवाइज एफ एफ डायरेक्टली उनको ब्लैकलिस्ट कर देगा और उससे काफ़ी ज्यादा सैंक्शन सॉरी काफ़ी नुकसान हो सकता है आपके पाकिस्तान को ठीक है ना आ, एन अनयूजल न्यू मीडिया कोड अब ये जो आर्टिकल है ये ऑस्ट्रेलिया के जो लॉ आया है नया उसके बारे में अब आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो नया लॉ है वो ये कहता है कि अगर जैसे जो न्यूज चैनल्स हैं उनके जो न्यूज आइटम्स गूगल फेसबुक में दिखेंगे उसके एवज में गूगल और फेसबुक को मीडिया हाउस को पे करना पड़ेगा तो ऑथर का यह कहना है कि इससे दो चीजें पूरी हो जाती हैं दो एम पूरे हो जाएंगे एक तो एम यह है कि जो बड़ी बड़ी बिग कंपनीज हैं बिग कंपनीज हैं उनके ऊपर टैक्स लग जाएगा बिग कंपनीज़ पर टैक्स भी लगा लिया और दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो मीडिया हाउस है उनकी इंडिपेंडेंस को भी मेक श्योर sure कर लिया आपने कि मीडिया को अगर पैसे मिल रहे हैं यहाँ से तो फिर वो गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेगा ना और गवर्नमेंट से अगर नहीं लेगा तो वो मीडिया फ्री रहेगा है ना तो बात यहाँ पे ये यह दो वाली हो गई ठीक है ना तो यहाँ पे ऑथर ने ये दो चीज़ें कही हैं कि इसके दो बेनिफिट ये होते पहला तो ये हो जाता है बेनिफिट कि एक तो बिग जो कंपनीज हैं उनके ऊपर आपने उनके उन पर उन, उनके ऊपर आपने टैक्स लगवा लिया और दूसरी चीज़ ये कि एक बार अगर आपने मतलब कि ये मेक श्योर sure कर दिया कि वो फाइनेंशियली फ्री हो गए अगर वो फाइनेंशियली फ्री हो गए जैसे तो इससे फिर बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट से उनको पैसा नहीं लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट से अगर वो पैसा नहीं लेंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट मीडिया की तरह काम करेंगे ठीक है ना इट विल लीड टू इंडिपेंडेंट मीडिया अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है द मॉडल इग्नोर्स द एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मॉडल में जो कमी है वो ये है यहाँ पर एक तो हमने बोल दिया कि गूगल और फेसबुक को बेनिफिट होता है जो जब उनकी वो न्यूज़ दिखती है तो गूगल और उसको बेनिफिट होता है लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बताना ये भूल गए कि ऐसे में उस आ, बिजनेस को भी तो फायदा होता है जो बिजनेस जिस बिजनेस का सर्च में रिजल्ट आता है उस बिजनेस को भी तो फायदा होता है तो उसको भी टैक्स लगाना चाहिए था बट ये चीज ये मॉडल इग्नोर कर देता है जैसे कि जिस मॉडल बिजनेस का नाम आया सपोज एड में जो आया तो इसीलिए ऑथर ने सजेस्ट किया है कि इसका बेस्ट अल्टरनेटिव ये था कि आप एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर लगाते आप एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर अगर लगाते तो ज्यादा बेटर था कि जो लोग एड दे रहे हैं जिनका बेनिफिट हो रहा है उनसे आप पे करवा रहे हो है ना तो ये एक सजेशन जरूर दिया गया ऑथर के द्वारा

इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज करवाया एनएस एस सिक्स का और यह कहा है कि इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि बना था 1861 में और अलेक्जेंडर कनिंगम अलेक्जेंडर इसके पहले डायरेक्टर थे ठीक है ना पहले जो वो थे मेन अलेक्जेंडर कनिंगम थे 1861 1861 में ये बना था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको बताना है क्वेश्चन ये कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन कौन से दो एक्ट्स के बारे में करता है मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ वो ट्रेजर एंड एंटीज एक्ट है और दूसरा आपका एंशंट मॉन्यूमेंट 1958 का एक्ट है तो आप मुझे वो एक्ट्स के पूरे नाम और ईयर लिख के बताइए ठीक है ना ये नाम याद रखिएगा सेंट जॉर्जस ऑर्थोडॉक्स चर्च चेपड़ केरला में है और नेशनल हाईवे 66 के यहाँ से पास हो रहा था लेकिन प्रोटेक्शन दिया जा रहा है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा और ये जो चर्च है ये बना कब था थोड़ा सा और बता दूँ इसके बारे में कि दिस चर्च वॉज फॉर्म इन नाइन फिफ्टी एडी नाइन फिफ्टी ए डी ठीक है ना और इसको दोबारा कुछ लोग कहते हैं कि टेन फिफ्टी में बना था लेकिन रीबिल्ट ये नाइनटीन फिफ्टी टू में हुआ था रीबिल्ट नाइनटीन फिफ्टी टू में भी हुआ था तो ये भी एक चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है आगे मूव करते हैं देखते क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं तो यहाँ पर ऐसी कोई खास न्यूज आइटम नहीं दिख रही दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लाइक आर वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे